हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। राजा विक्रम, वीर विक्रमादित्य, दुखियों का सहायक, तू मुझे उस धूर्त योगी की आज्ञा मानकर उसके पास पहुंचा कर ही रहेगा। अरे राजा है, सेवक की तरह मेरा बोझा उठाकर इस आधी रात को चल रहा। चल, तेरा मन बहलाने के लिए मैं तुझे एक घटना सुना। ये कथा तेरे उज्जैन नगरी की है, मगर तू उस वक्त राजा नहीं था है? पूरे राज्य के ऊपर राक्षसों का जोर चल रहा था, तबाही मचा रहे थे और प्रजा भयभीत रहती थी। ये उन्हीं दिनों की घटना है जो राजा के विश्वसनीय दूत और राज दरबारी हरि स्वामी के यहाँ घटी। Thank you.
देखिए ना पिताजी, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ ये सोम प्रभा नृत्य करना आरंभ कर देती है, मेरा ध्यान बढ़ जाता है। मैं क्या इसलिए नाचती हूँ कि तुम आज पढ़ने बैठे हो? और नहीं तो क्या? जिस तरह सोमप्रभा पूरी तरह मन लगाकर अपना नृत्य सीखती है उसी तरह तुम भी पूरा मन लगाकर अपना पुस्तक पढ़ा करो, ध्यान नहीं बटेगा। और कितनी कलाएं सीखोगी सोमप्रभा तुम? चित्र बनाने लगे, संगीत सीखा, नृत्य करने लगी, और कितनी कलाएं रहेगी तुम्हें सीखने के लिए? रोटी बनाने की कला, जब भी ये रोटियां बनाती है ना इसकी बनाई सारी रोटियां कच्ची रह जाती हैं। ये झूठ बोलता है पिताजी। तुझे क्या समझ, कच्ची क्या पक्की क्या, तुझे जो मिल जाती है वही डकोस लेता है। पिताजी कल मैं आपको पूरा भोजन बनाकर खिलाऊंगी, फिर आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तू तो अच्छा ही बना दोगे बेटी, हम जानते हैं। हमारी चिंता तो यह है कि तुझ जैसी गुणवती और कलाकार बिटिया के लिए अच्छा वर कहां से खोज कर लाएंगे। अच्छा बता, तुझे कैसा वर पसंद है? जो आपको पसंद हो। मैं बताता हूँ इसे कैसा दूल्हा चाहिए। तू चुप रह, जब तुझसे तेरी दुल्हन के बारे में पूछे तब जवाब देना। हाँ बोल बेटी। पता ना ये क्या पूछ रहे हैं। बोल। जिसमें कोई गुण हो, कोई कला हो। जैसे? जैसे विद्वान हो, शिल्पकार हो, वैज्ञानिक या कलाकार हो, या कोई बहुत बड़ा वीर हो। वाह बेटी वाह, हम तेरे लिए ऐसा ही वर ढूंढ कर लाएंगे जो सारी दुनिया में अनूठा हो। मैं हूं वो अनूठा, दुनिया में मेरी बरोबरी का कोई नहीं। सोम प्रभा को मैं ले जाऊंगा, मैं। ले जाऊंगा सोम प्रभा को। देखते रहना। इस राक्षस ने सारे नगर में उत्पात मचा रखा है, पता नहीं इसे शेर का सवा शेर कब मिलेगा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद हरि स्वामी को राजा की कुछ भेंट और पत्र लेकर पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने जाना पड़ा। हरि स्वामी राजा का राजदूत था और उसे प्राय ऐसे कर्तव्य निभाने आसपास के राज्यों में जाना पड़ता था। तभी एक और घटना हुई। क्या नाम है तुम्हारा? वीर सिंह। बड़ा अच्छा प्यारा नाम है, जैसा नाम वैसा ही गुण। तुम सचमुच के वीर हो।
मैं अगर एक प्रस्ताव रखूं तो मानोगे? कैसा प्रस्ताव? मेरी कन्या सोम प्रभा के लिए मुझे तुम जैसा ही दामाद चाहिए। बड़ी अच्छी लड़की है, गुणवती है, भोली है, सुंदर है, अच्छी कलाकार भी है। तुम दोनों का जोड़ा अच्छा बनेगा। जब हरि स्वामी उस वीर युवक से सोम प्रभा के विवाह की बात पक्की कर रहा था, ठीक उसी समय हरि स्वामी के घर पर उज्जैन नगर का एक कवि दरवाजा खटखटा रहा था। नमस्कार। सोम प्रभा जी यहीं रहती हैं? हाँ, क्यों? जरा उन्हें बुला दीजिए। उनके सौंदर्य पे मुग्ध होकर मैंने एक कविता लिखी है, उसकी प्रति मैं स्वयं सोम प्रभा को भेंट करना चाहता हूँ। क्या तुमने सोम प्रभा पर कविता लिखी है? जी हाँ, वे बहुत सुंदर है। कल दुर्गा माँ के मेले पे उन्हें पहली बार देखा और मुझसे उन पे लिखे बिना रहा नहीं गया। किसके लड़के हो तुम? पंडित सुदर्शन आचार्य के। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगी। क्यों? मैं उनसे कहूंगी कि आपके लड़के को हमारी सोम प्रभा बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे अपनी बहू बना लीजिए। हरि स्वामी की पत्नी ने भी सोम प्रभा के लिए एक लड़का पसंद कर लिया, कवि, विद्वान और सोम प्रभा को चाहने वाला। पर अभी हरि स्वामी के बेटे यानी सोम प्रभा के भाई का परिचय एक शिल्पी से हुआ। ए, क्या देख रहे हो? जी मैं ये देख रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं अंदर आओ। मैं आ जाओ। शाबाश शाबाश, आ जाओ जी। अभी झगड़ो से ये ये तो वाकई उड़ रहा है। सच? ये क्या हो रहा है? ये हमारा विमान आकाश में उड़ रहा है। हाँ? देखो देखो, इसे कस के पकड़ना। हाँ? ये तो मेरे हाथ से छूटे नहीं। सुनो। हाँ? ये यंत्र तुमने बनाया है? हाँ? ये यंत्र मैंने बनाया है। तुम राजा के सेवक हो? नहीं, मैं शिल्पी हूँ। शिल्पी? हाँ। उस दिन सोम प्रभा के भाई ने न केवल विमान में खूब सैर की और साथ ही अपनी बहन के लिए वर भी खोज लिया। शिल्पी को जब उसने सोम प्रभा के विषय में बताया तो वो विवाह के लिए राजी हो गया। भाई विवाह की तिथि निश्चित कर वचन देकर ही लौटा। वो तिथि थी अक्षय तीज, वही जो हरि स्वामी ने बारात लाने के लिए उस वीर को दी थी। विद्वान है, होनहार और फूला है, इससे अच्छा वर सोम प्रभा को मिल ही नहीं सकता। लेकिन देखो, एक वीर युवक से मैं बात पक्की करके आया हूँ, एक से तुमने रिश्ता तय कर दिया है और एक से इसने, होगा क्या? होगा वही जो मैं चाहती हूँ। चाहे आप कुछ भी कह लीजिए पिताजी, लेकिन ये विवाह तो शिल्पी के साथ ही होगा, क्योंकि इससे अच्छा लड़का उसको नहीं मिल सकता। वीर सिंह से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं कहती हूँ कवि से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। कोई अपने दिए वचन से हटने को तैयार नहीं था। अक्षय तीज का दिन निकट आता जा रहा था, वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं, पर दूल्हा कौन होगा सोम प्रभा का, कोई नहीं जानता था। सब भगवान के भरोसे बैठे थे। अक्षय तीज की तिथि पर तीनों बारातें हरि स्वामी के घर की ओर बढ़ रही थी, पर तभी एक चौथा भी था, वो राक्षस जो कई दिनों से सोम प्रभा पर आंख लगाए था और अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब मौका लगे और वो कब सोम प्रभा को ले उड़े। पंडित हरि स्वामी जी, क्या आपकी तीन लड़कियां हैं जो तीन बारातें आ रही हैं? प्रणाम। सोम प्रभा से विवाह मैं करूंगा। नहीं, सोम प्रभा से मैं विवाह करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सोम प्रभा से मैं प्रेम करता हूँ। बचाओ! बचाओ!
उसे किसी तरह बचाना चाहिए। ठहरो, मैं अपना विमान लेके आता हूँ। हम अपने विमान पे उड़ के राक्षस का पीछा करेंगे। राक्षस से मैं लड़ूंगा, सोमप्रभा को मैं वापस लेके आऊंगा। मैं भी चलता हूँ। सोमप्रभा और राक्षस को मैं पहचानता हूँ। इस जाति के राक्षस दक्षिण दिशा में रहते हैं। चलो विमान को दक्षिण की दिशा में ले चलो। ठीक है। वो रहा राक्षस सोमप्रभा के साथ। नीचे लो। बचाओ। सर्वनाश कर दो। एक और मारो। करो, मैं विमान ऊपर ले जाता। मारो तीर। उसकी नाभि में तीर मारो। सोमप्रभा को घर ले आए, पर जो प्रश्न था वो अपनी जगह ज्यों का त्यों था। सोमप्रभा का वर इन तीनों में कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? किसका अधिकार सोमप्रभा पर अधिक है? किससे ब्याह करेगी सोमप्रभा? सोमप्रभा से विवाह मैं करूंगा। नहीं, सोमप्रभा मेरी है। आप लोग समझते क्यों नहीं, सोमप्रभा मेरी है। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मेरी कन्या के प्राणों की रक्षा की, पर आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप ये निर्णय सोमप्रभा पे छोड़ दे, वो जिसे चाहे अपना पति चुन ले। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार। विक्रम, सोम प्रभा ने आगे बढ़कर उन तीन युवकों में से एक के गले में वरमाला डाल दी। अब बता, मानव मन को समझने का अधिकार है तो बता,
सोम प्रभा की दृष्टि से सोचकर बता कि उसने वरमाला किसके गले में डाली। वो कौन सौभाग्यशाली था जो सोम प्रभा का पति बना। उस सुंदरी ने किसको अपना वर माना। वीर सिंह को, वो वीर जो राक्षस से लड़ा और सोम प्रभा को बचा कर लाया। सोम प्रभा ने वरमाला वीर सिंह के ही गले में डाली। क्या, अरे उस कवि के गले में क्यों नहीं डाली जो उसके ऊपर गीत लिखता था और उसके रूप का पारखी था। और उस शिल्पी के गले में क्यों नहीं डाली जो उसे उड़न खटोले में बिठाकर आसमान की सैर कराता। नहीं बेताल, प्रेम करना, रूप की प्रशंसा करना ठीक है, केवल कवि ही नहीं सभी करते हैं। अच्छे रथ या अच्छा विमान में बैठकर प्रेमिका तक पहुंच जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। सोम प्रभा ने वरमाला वीर सिंह के गले में इसलिए डाली क्योंकि पति होने का अधिकार सिर्फ उसी को प्राप्त है जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हो, उसे हर विपदा से बचा सकता हो, जिसमें इतनी शक्ति हो। सोम प्रभा ने पति के रूप में वीर सिंह को ही चाहा उसके गले में वरमाला डालकर। वाह, अरे वाकई तू बहुत बुद्धिमान। अरे इस बार भी तूने ठीक उत्तर दिया। मगर एक भूल कर गया ना। अरे भूल कर गया तो भुगत। मैं तो ये चला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, आजा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम और बेताल, 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 विक्रम